पूरे 6-7 महीने आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, एक दिन में पढ़ रहे हैं आप। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों RGBB BE BTech B फार्मेसी 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 7 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं और आज 6 दिसंबर है। तो अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा है, 4 सब्जेक्ट हैं आपके 5th सेमेस्टर में, आपका एग्जामिनेशन कल है और कल का एग्जामिनेशन का भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, साथ के साथ जो आगे आने वाले एग्जामिनेशन है उसमें भी कुछ नहीं पढ़ा है, तो यार देखो चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो भी पास्ट में निकल गया उसको भूल जाओ, जो प्रेजेंट में है उस पर फोकस करो और कल एग्जामिनेशन है, सिर्फ कल के एग्जामिनेशन की चिंता करो और बाकी के जो आने वाले एग्जामिनेशन है उनके बारे में सोचना छोड़ दो। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ चीज़ बताएंगे RGBB एग्जामिनेशन से रिलेटेड जिनको आपके लिए फॉलो करना है, इसके बाद आप एग्जामिनेशन में फोड़ दोगे। तो चाहिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि RGBB में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको पेज भर के आना पड़ेगा, लेकिन यह है कि आप 20 से 25 30 पेज लिखकर आते हैं तो गुंजाइश रहती है कि आप पास हो जाएंगे विथ ग्रेस के साथ या फिर सी ग्रेड के साथ। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कुछ भी लिखकर आ जाओ, 22 25 100 पेज लिखकर आ जाओ तो आपको पास कर देंगे, थोड़ा बहुत क्वालिटी कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो देखिए आपने अभी तक जो पढ़ा है उसको भूल जाइए, आज अभी इसी वक्त से आप कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कीजिए, जो भी आपकी ब्रांच है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। और जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं उसका पूरा मत पढ़िए क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, उसका डायग्राम देखिए, अगर नहीं है तो गूगल से सर्च कीजिए। डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है आपकी कॉपी में, साथ के साथ मार्क्स इंक्रीज भी करता है। थ्योरी कोई नहीं पढ़ता है, डायग्राम देखता है या फिर अगर आप पॉइंट वाइज लिख रहे हैं तो वो पढ़ता है। बाकी दोस्तों डायग्राम आप बनाएंगे तो सामने वाले को पहले ही क्लियर हो जाएगा कि भाई कुछ ना कुछ क्वालिटी कंटेंट लिखा है, डायग्राम सही सही बनाना, तो आपको 7 में से 7 नंबर मिल जाएंगे जितने भी नंबर का क्वेश्चन हो। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रहते हैं, कुछ आपकी इक्वेशन टाइप की रहती हैं जो कि मेन रिजल्ट रहता है, वो याद कर लीजिए। इससे होगा ये कि आपका एक्यूरेट आंसर चला जाएगा। डायग्राम तो आप सही बनाएंगे ही, साथ के साथ कुछ एक दो पॉइंट भी लिख देना, अच्छे रहेंगे वो। और जो आप इक्वेशन या फिर जो एक्सप्रेशन रहता है फॉर्मूला टाइप का वो याद करेंगे, वो लिख देंगे तो अच्छा एक्सप्रेशन जाएगा। जब आपको एग्जामिनेशन पेपर मिले उसको अच्छे से रीड करना, और आपको कुछ क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका एक्यूरेट आंसर आपको पता रहेगा, सबसे पहले वो ही करिए, चाहे वो 8वें नंबर पर हो या फिर वो पहले दूसरे नंबर पर हो। कहने का मतलब ये है कि जो आपके कॉपी के स्टार्टिंग पेज रहेंगे 3 से 4 उनमें नीट एंड क्लीन कॉन्टेंट लिखना, जिससे कि स्टार्टिंग में ही अच्छे नंबर गेनिंग होने चालू हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको मैंने बताया कि डायग्राम कर लेना, साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर्मूले कर लेना। ऐसा ही आपको दोस्तों गिनती के 5 से 6 क्वेश्चन कर लेने हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो पेपर में आए उसको लिखकर आ जाना, और जो नहीं आए तो उसको भी क्वेश्चन नंबर 1st या फिर 2nd डाल के लिखकर आ जाना। कुल मिला के कॉफ़ी खाली भी नहीं छोड़ना है, गलत कंटेंट भी नहीं लिखना है, उससे रिलेटेड कंटेंट लिखना है, या फिर कहीं पे आपका आया इंडक्शन मोटर और आपको पता है कि इंडक्शन मोटर ये है वो है वो है, तो आप उसके बारे में जितनी भी डिटेल हो सब कुछ लिखकर आ जाना। कम से कम 1.5 से 2 पेज भर देना, उसका डायग्राम बना देना, सब कुछ बना देना। कोई भी क्वेश्चन आए, इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर, जो भी आए, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, बाकी आपको आपके सब्जेक्ट पता है कि ये पॉइंट आपने पढ़ा है और ये आपको मैच कर रहा है, तो उसके बारे में जितने भी डिटेल हो उसको भर के आ जाना। अगर डायग्राम बने तो डायग्राम बना देना। कुल मिला के आपको 20 पेजेस से कम पेजेस नहीं लिखने हैं अगर आपको पास होना है तो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपके लिए बताया है स्टार्टिंग में कि शुरू के स्टार्टिंग पेज अच्छे लिख देना, 3 से 4 पेज अच्छे से लिख देना। फोकस ये रखना कि 20 से 22 25 पेज लिख कर आएँ, साथ के साथ डायग्राम रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा से कर देना और कुछ पॉइंट फॉर्मूले लिख देना। जो क्वेश्चन पढ़ के जाओ वो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यार पूरे 6-7 महीने आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, एक दिन में पढ़ रहे हैं आप, तो ऐसा आपको काम करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए अगर आप 20 22 25 पेज लिखकर आते हैं, कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड लिखते हैं, कुछ अलग लिखते हैं और डायग्राम अच्छे से बनाते हैं, तो मुश्किल ही है कि आपको बैक आ जाए। तो दोस्तों आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।